वार्ड 51 के पूर्व पार्षद अनीश मोयल ने बताया अपने वार्ड की कायापलट का राज। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर अपने वार्ड में लगाए सीसीटीवी कैमरे और गलियों में लगाए गए ग्लो साइन बोर्ड। पड़ाव क्षेत्र में पेड़ गिरने से विद्युत सप्लाई हुई ठप, बड़ा हादसा टला, जान माल की नहीं हुई हानि। राजस्थान रोडवेज जल्द ही शुरू करेगा 100% शेड्यूल बसों का संचालन। 300 नई बसों का संचालन किया गया शुरू। बस के चलने से पहले ड्राइवर और कंडक्टर की होगी कोरोना जांच। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कृषि कनेक्शन पर मिलने वाले 10,000 रुपए वार्षिक के भुगतान को वापस शुरू करने की रखी मांग। ब्याजखोरों से परेशान महिलाओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कर्ज चुकाने के लिए मांगी मोहलत। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से अजमेर जिला कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 रुपए करने की रखी मांग। अलवर गेट थाना क्षेत्र के राजा साइकिल सर्कल स्थित पान की थड़ी पर हुई 17,500 रुपए के सामान और नकदी की चोरी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रदेश में कोरोना के मामले 70,000 के पार, मौत का आंकड़ा 1,000 के नजदीक। राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,330 के पार। सोनिया ने की पद छोड़ने की पेशकश, गुलाम नबी आजाद समेत अन्य नेताओं द्वारा नेतृत्व में परिवर्तन लेकर लिखे गए पत्र का दिया हवाला। चिट्ठी को लेकर राहुल के बयान पर सुरजेवाला ने दी सफाई। भारत चीन सीमा विवाद पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, बातचीत फेल हुई तो सैन्य कार्रवाई पर करेंगे विचार।